ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल के मामले पर हेमंत सरकार ने एक साल पहले से जो नियमावली बनाया, टीएसी का गठन किया, वो बिल्कुल राज्यपाल के अधिकारों का अतिक्रमण है। संविधान के अनुच्छेद 244 के एक पार्ट बी धारा 4(3) के तहत केवल और केवल राज्यपाल महोदय को ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल बनाने का अधिकार है। जिस अधिकार को हड़प कर हेमंत सोरेन ने मनमर्जी किया है, मनमर्जी कमेटी बनाई है, मनमर्जी मीटिंग कर रहे हैं, ऐसा करना संविधान को तोड़ना है। राष्ट्रपति, राज्यपाल और संविधान की गरिमा प्रतिष्ठा के ऊपर में हमला बोल है और ये गंभीर कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन का मामला है। इस मामले पर हम झारखंड में राष्ट्रपति शासन की मांग करते हैं। राज्यपाल और राष्ट्रपति महोदय को चाहिए झारखंड सरकार को अविलंब सो कोज नोटिस जारी करे। मगर राज्यपाल और मुख्यमंत्री के साथ जो ब्यूरोक्रेसी जुड़े हुए हैं, आईएएस अफसर लोग, मुझे लगता है ये भी संवेदनहीन और उदासीन रूप से काम कर रहे हैं। चूंकि राज्यपाल ने भी के राजभवन ने भी दो गलतियां की। एक कि राजभवन के तरफ से कहा जाता है केवल दो टीएससी के सदस्यों की नियुक्ति का अधिकार राज्यपाल को है, यह गलत है, बल्कि पूरे 20 सदस्यों की नियुक्ति का अधिकार केवल राज्यपाल को है। मुख्यमंत्री केवल अनुशंसा कर सकता है। दूसरा, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की तरफ से नगर निकाय का एक प्रस्ताव गया था राजभवन, जिसमें संसद के द्वारा अनुच्छेद 243(3) के तहत नगर निकाय चुनाव का संशोधन संसद ने नहीं किया है, जैसे पेशा पंचायत कानून का किया हुआ है, उसको भी राजभवन ने पास कर दिया था, वो भी गलत था। हमारा कहना है राजभवन और मुख्यमंत्री का कार्यालय यदि संविधान की गरिमा को, संविधान के डायरेक्शन को पालन नहीं करेगा तो झारखंड में अनहोनी होना है और रूल ऑफ लॉ की जगह जंगल रूल चलेगा। तो हम झारखंड में राष्ट्रपति शासन की मांग करते हैं ताकि जनतंत्र बचे, जनहित बचे और संविधान की गरिमा बची रहे। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।